अरब सागर में एक बार भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को मंसूबों को नाकाम कर 17 लोगों को बचा लिया। संदेश मिलते ही आईएनएस सुमित्रा तुरंत अगवा जहाज के पास पहुंचा और नौसेना के जहाज पर तैनात ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने ईरान के जहाज को घेर लिया। खुद को भारतीय नौसेना से घेरा देख समुद्री लुटेरों ने ईरान के जहाज को छोड़ दिया और वहां से भाग खड़े हुए। इसके साथ भारतीय नौसेना ने ईरान के जहाज पर सवार चालक दल के 17 सदस्यों को सकुशल छोड़ा लिया। अभी रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो उनसे ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया। और इंडिया को ही हम देख रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब होता है कि हमारे एम्बिशन ज्यादा, हम ज्यादा हिस्सा चाहते हैं। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब यह है कि हम बड़े हैं, बाकी छोटे हैं, हम सबको सिक्योरिटी देंगे, हम दादा हैं। यही मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में जैसे हम करें तो। अरे हमने क्या कर लिया आज तक, हम उसको इस्तेमाल कब करेंगे, क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खुद ही हमें ये बताएं। कोई भी नहीं कर सकता, हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इतनी पाबंदी हमारे पास, आई थिंक हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए, हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री को हमारे उस एटम बम से क्या डर होगा जब हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे। खौफ तो उस टाइम होगा ना जब हमारे अंदर कुछ एबिलिटी हो, खुददारी हमारे अंदर हो। यही इसका मतलब है ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सो ये चीजें जो है ये हैं। सो इट मीन्स इंडिया इज डिप्लॉइंग, इंडिया इज फुली एम्बिशियस कि वो इन चीज़ों को फुल एम्बिशियस होकर लगा हुआ है। ठीक है जी, ओके, हाँ हम ये कर सकते हैं या करना चाहिए। मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जाने बचाई, जबरदस्त, देखिए सर बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा, क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जाने नहीं बचाई और वो भी मुसलमानों की है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने ईरान के एक जहाज को हाईजैक कर लिया था जिसपे टोटल 17 ईरानियन थे और उनको भी बंधक बना लिया था, लेकिन दोस्तों उन्होंने SOS कॉल दिया। SOS कॉल दोस्तों एक मैसेज होता है जो आसपास के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड के नेवी होते हैं उनके पास जाता है। तो भारतीय नेवी के पास जैसे ही वो SOS आया, भारतीय नेवी तुरंत वहां पे पहुंच गई। जब एक बार भारतीय नेवी और मार्कोस पहुंच जाते हैं तो फिर आप लोग को पता ही है, फिर दुश्मन तो समझ लो पहुंचते ही खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने 17 ईरानियन को बचा लिया और इसकी तारीफ इस समय ऑल ओवर द ग्लोब चल रही है क्योंकि ईरानियन की हेल्प कोई नहीं करता, लेकिन भारत ने तो कसम खाई है कि हिंद महासागर का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारत ही है। और हिंद महासागर क्योंकि हिंद महासागर के नाम से हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के नाम से हिंद महासागर है, इसलिए वहां पे किसी को कोई दिक्कत आएगी तो भारत सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा, चाहे वो कोई भी देश हो। आप लोगों को पता है इससे पहले भी भारत ने 3 मर्चेंट वेसल्स को बचाया था और ये फिशिंग वेसल्स थी, तो इनको जो है बचा लिया गया। अच्छा दोस्तों, इस समय भारतीय कमांडोज की पूरी दुनिया में तारीफ चल रही है, वहीं पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत तो अपनी दादागिरी दिखा रहा है। मतलब किसी को बचाना, किसी को आतंकवादियों से बचाना दादागिरी, अगर ये दादागिरी है तो भाई तुम भी कर लो। बात बात पे कहते हो ना कि कलमे के बेस पे बने, कर लो यही वाली दादागिरी तुम भी, औकात नहीं है ना। An Iranian fishing vessel was hijacked by Somalian pirates. Indian commandos issued a warning to the pirates, asking them to back off. The pirates were disarmed, told to move towards Somalia. The hijacked vessel was sanitized and released for onward transit. और ये इंडिया आपको पता है 2011 onward continuously लगा हुआ है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ठीक है, और ये सारे जितने भी इंडियन ओशन में लिटरल स्टेट्स हैं सब में वो लगा हुआ है, और दे वॉन्ट टू अमर्ज एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड दे कंसिडर दिस एज ए सॉफ्ट पावर। देखिए जो मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है ना, आप ये जो इंडियन नेवी पहुंचती है, आपको पता है जब ये मर्चेंट वेसल्स चलती हैं तो जिस मुल्क ने इनको प्रोटेक्ट करना है दैट कंट्री विल, वो उसको हाईलाइट करेगा अगली दफ़ा जब नेवीज की मुलाकात हो कि जनाब आपकी मर्चेंट वेसल जा रही थी, उसने डिस्ट्रेस कॉल दी, हम वहाँ पहुँच गए और हमने आपका किया, हमने आपके लोग बचाए, आपका जहाज बचाया, हमने देखे हम बड़ा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मतलब दैट्स हाउ दे डू। सो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे आ रहे हैं। ठीक है जी, सो अभी तो उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं और ये चीज़ें जो हैं ये बताता है कि वो इंडिया अपने आप को फर्दर इंगेज कर रहा है। सो हमें भी इन चीज़ों को देखना है कि जब इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे बात करता है तो टेक्निकली वो बेसिकली दैट पुट्स पाकिस्तान, दैट क्रिएट्स अ सिक्योरिटी डायलेमा फॉर पाकिस्तान।
ये एक रियलिटी है जो मिलिट्री लैंग्वेज को समझते हैं. व्हेन इंडिया टॉक्स अवर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो हमारे लिए पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी डायलेमा है. हम जारी बात है फिर बंदे घबरा जाते हैं कि भाई ये कह रहा है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इट मीन्स खर्चा बढ़ा दो, अपना एक्सपेंसेस बढ़ा दो, चीज़ें ज़्यादा कर लो, यही इसका मतलब है. और क्या चीज़ है इसका मतलब? सो ये पाकिस्तान जो है वो जब इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करेगा तो दैट विल क्रिएट अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान. बट फॉर द इंटरनेशनल वाटर्स, इंटरनेशनल सी, इन जगहों के लिए एक वो है, इस चीज़ की जो है ना वो एक वैल्यू होती है. तो ये फजूल की बातें. अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जाने बचाई. जबरदस्त, देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा. क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जाने नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेज की तारीफ कर दी. मैं इंडिया के, देखिए मैं पूरी ऑडियंस को, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया को, हम सिर्फ इंडिया की तारीफ नहीं करते, जो कुछ कर रहा हो हम उसकी तारीफ करते हैं. ठीक है, अभी आज ही पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर, सर हम पाकिस्तानी फोर्सेस की शुरू में हमने बताया है कि जिस तरह बलूचिस्तान वालों के साथ हो रहा है, लेकिन जहां उनकी तारीफ है हम वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान ने पाकिस्तान पे रॉकेट मारे, पाकिस्तान ने प्रॉपर भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया, ईरान को पता चला कि हमने पाकिस्तान को छेड़ा है. देखिए पाकिस्तान में पूरी दुनिया को पता है गुर्बत है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन पाकिस्तानी लोग गरीब हैं, पाकिस्तानी फोर्सेज या आर्मी गरीब नहीं है. हमने सारी जिंदगी दी है, हमने सारी जिंदगी आर्मी को तो दी है. हमारा डिफेंस इतना को मजबूत हो चुका हुआ है, चाहे हमारे बच्चों के पास खाने को पानी रोटी नहीं है, चाहे हमारे घरों में बिजली नहीं है, चाहे हमारे घरों में सुई गैस नहीं है, हम रोटी पकाने से महरूम है, लेकिन हमने अपनी फोर्सेज को इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया है कि हमारी फोर्स, आप ईरान के साथ कंपेयर कर लीजिए हमारी फौज को, कि ईरान पाकिस्तानी फौज के आगे कुछ भी नहीं है. नहीं, उसमें ये है, ये तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जो आर्मी है तकरीबन सातवें नंबर पे आती है, सातवें आठवें नंबर पे आती है, इंडिया की आर्मी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आती है, ईरान की टॉप 10 में भी नहीं है. ये तो एक रियलिटी है. लेकिन आबिद भाई देखा जाए, एक इस टाइम ये कंसेप्ट नहीं है किसकी आर्मी बहादुर है या किसकी आर्मी मजबूत है. कंसेप्ट में हमारा रीजन या बात करने का मकसद ये है कि दो कंट्रीज, नेबर कंट्रीज हैं, आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, ऊपर से मुस्लिम कंट्री है, और तीसरा कंट्री जो कि पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है ईरान के साथ. जेन से ही मैं बात काट दूं. देखें ये मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ना, सबसे पहले शुएब भाई अपने जेन से निकालिए, ये मुस्लिम वाला कोई चक्कर नहीं होता, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये हमारे मीडिया ने बनाया हुआ है, हमारे मस्जिद के मुल्लाओं ने जुम्मे वाले दिन बनाया हुआ है जो किताब देते हैं. देखिए मुस्लिम उम्मा वाला कोई चक्कर नहीं है, ये सब झूठ है. आप सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, आप ईरान को ले लीजिए, आप यूएई को ले लीजिए, अभी अफगानिस्तान बांग्लादेश को ले लीजिए, अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी ले लीजिए, अब ये सब मुस्लिम उम्मा है ना, हम इनके बीच में है, ये हमारे साथ साथ ही है सभी. अब मुझे बताएं कि कितने मुल्कों के मैंने नाम लिए, हमारे पाकिस्तान के इन मुल्कों में किस किस मुसलमान के साथ रिलेशन बेहतर है, कौन से मुल्क के साथ बेहतर है? एक सेकंड, ठीक है, थोड़ी सी बात शुएब भाई कंप्लीट होने दें, उसके बाद आप बोलिए. देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारा पंगा, बांग्लादेश, ओए बांग्लादेश का नाम जेन में आ गया, अभी बांग्लादेश के लिए 5 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैंने बांग्लादेश के ऊपर बातें करनी है. बांग्लादेश के साथ हमारा पंगा है, उसके बाद ईरान के साथ हमारा पंगा हो गया. मतलब ये है कि अभी सऊदी अरेबिया में देखें कि मदीना में इंडिया की एक खतून जो वजीर थी वो मदीना शरीफ गई. ठीक है, तो मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया और ये जो सारे मुल्क है ना, इन्हें अब समझ आने लगी हुई है कि दुनिया है, दुनिया इस्लाम के साथ, पूरी दुनिया है, उसे भी लेके चलना है हम लोगों ने. तो दोस्तों आप लोगों ने पिछले 1-1.5 महीने में ऐसे कई वाकयात देखे होंगे, कई घटनाएं देखी होंगी जिसमें भारतीय नेवी ने दिलेरी के साथ मर्चेंट वेसल्स को सेव किया. मेरे ख्याल से 4-4 मर्चेंट वेसल्स को भारतीय नेवी ने सेव किया, एक ये फिशिंग, तो 3 मर्चेंट और 1 फिशिंग, 4 को भारतीय नेवी ने सेव किया. इसका मतलब आप लोग मान लो 1-2 महीने के अंदर भारतीय नेवी ने 60-70 जान बचाई. अभी 17 ईरानियन की जान तो अभी कल ही बचा ली. तो एक तरीके से भारत इस जो हिंद महासागर वाला इलाका है, जैसा कि हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा था, रक्षा मंत्री जी ने, कि हिंद महासागर क्योंकि हिंदुस्तान के नाम पे है तो इसलिए इसकी जिम्मेदारी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जिम्मेदारी हमारी है. किसी भी देश को अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है और अगर वो SOS देता है तो भारतीय नेवी ही सबसे पहले पहुँचती है. और फिर आप लोगों को पता ही है भारतीय नेवी में मार्कोस मतलब जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं पर दुश्मन खत्म हो जाते हैं. तो आप लोगों को उनकी ताकत मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बयान नहीं कर सकता, इस तरीके के हैं कुछ मार्कोस. ठीक है दोस्तों, तो बहुत जबरदस्त तरीके से भारतीय नेवी काम कर रही है
और इस इलाके को जहां पे हूतीस, सोमालियन पायरेट्स ये हैं, एक ही बार सिर्फ उन्होंने भारतीय वेसल्स पे हमला किया था। इसके बाद भारत ने जो सबक सिखाया ना, फिर भारतीय वेसल्स के सामने ही आंख उठा के देख नहीं सकते, और सबके वेसल्स की खैर सुरक्षा कर रहा है भारत। तो पाकिस्तानी इस पे ये जले हुए हैं कि भारत इस दादागिरी कर रहा है। ये कौन सा दादागिरी है? किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना दादागिरी है? ये मतलब अजीब अजीब सी बातें निकालेंगे। जहां से भारतीयों की तारीफ होगी, जहां से भारतीय सेना की पूरी दुनिया तारीफ करेगी, वो कहेंगे ये भारत जानबूझ के कर रहे हैं या राखी साजिश है। बात बात पे कलमे की बेस पे बने, कलमे की बेस पे बने, इस्लाम के बेस पे बने करने वाले आज ऐसे हो गए कि दो रोटी भी नहीं मिल रही। भाई पहले रोटी खा लो फिर कलमा पढ़ना, ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।